हेलो डियर स्टूडेंट्स, यार ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को एडमिशन लेने की, स्पेशली इन जेजीओ बिलासपुर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। 7 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो है ओपन काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, उसके रिगार्डिंग जो है यूनिवर्सिटी ने सेट मैट्रिक्स रिलीज कर दी है कि किस किस कोर्सेज के अंदर कितनी सारी सीटें वैकेंट है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ साफ डिक्लेयर किया गया, कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन या स्पॉट काउंसलिंग रिपोर्ट ऑन द जस्ट लाइक 10 तारीख को फॉर जनरल कैटेगरी को एंड 11 तारीख को जो है SC ST OBC EWS को जस्ट लाइक अपियर होना है ऑन द डिपार्टमेंट बिफोर 11:30 AM। ठीक है, उसके बाद एक नोटिस आया, दिस इज द टेंटेटिव डेटा, फाइनल डेटा विल बी पब्लिश्ड ऑन 7/11/2022। अभी तक कुछ लिस्टें ऐसे अपलोड की गई है, यहाँ पर जो है बहुत सारी सीटें वेकेंट है। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ जैसे BA आर्ट्स, ठीक है, इन इंग्लिश 13 सीटें वेकेंट है एंड जो है 14 सीटें वेकेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे जो है BA जर्नलिज्म के अंदर आप देख सकते हो 22 सीटें वैकेंट है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। यार मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ BA आर्ट्स की तो यहाँ पे बहुत सारी सीटें आपको देखने को मिल जाती है। BA आर्ट्स के अंदर आप टोटली सीटें मार सकते हो 40 से ज़्यादा सीटें वैकेंट है। अलग अलग कोर्सेज के अंदर यार अलग अलग सीटें, बहुत सारी सीटें वैकेंट है। अब जिन भी बच्चों के मार्क्स काफ़ी कम है या फिर लो मार्क्स है और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी के अंदर भी काफ़ी सारी सीटें जो है यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो है आप लोग ऑफलाइन जा सकते हैं एडमिशन के लिए और यार ऑफलाइन जाके जो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब यार हमारा जो है इसके रिगार्डिंग CUT पेड काउंसलिंग प्लान चलता है, जिसके अंदर हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, आपके जिस प्रकार से मार्क्स से आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितने मार्क्स पे होगा। तो जो भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है स्पेशली और अगर वो जाने में असमर्थ है कॉलेजों के अंदर, तो जो है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन तो स्पेशली। अब भैया हमें पता कैसे चलेगा कि किस किस कॉलेज में ऑफलाइन चल रहा है, ये तो आपने एक कॉलेज के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया, सभी के रिगार्डिंग तो वीडियो डालते ही नहीं आप, तो वीडियो डालते ही नहीं, आज के लिए 2 वीडियो डालते हो, ठीक है, पहले वाली कंसिस्टेंसी जो है ही नहीं बिल्कुल, तो यार उसके लिए आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, तो मेरा एकदम दिल एकदम टूट जाता है यार, ठीक है, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतना वीडियोज बनाता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं, ओनली 4 ऐसे मान सकते हो 1% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, 99% लोग ऐसे ही वीडियोज देखते हैं, मतलब फरीब को सारे शर्म करो कुछ, भगवान से डरो कम से कम। तो गाइस मैं एक चैनल दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, उसके बाद 100 सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है, आपको बिल्कुल सारी अपडेट में फ्री पोस्ट प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ 100 सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ 100, ठीक है, इतने लोग इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे, 100 सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम, भगवान से डरो यार। हाँ भाई तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तो यार यहाँ पे जो है बहुत सारी सीटें, मतलब भर भर के सीटें खाली पड़ी है, ठीक है, बहुत सारे हजारों कोर्स आपको मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, हजारों तो नहीं है, बहुत सारे कोर्स है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं, जनरल OBC SC ST PWD बहुत सारे कोर्सेज के अंदर बहुत सारी सीटें वैकेंट है, यहाँ पे जो है बी फार्मा के अंदर भी सीटें हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंदर भी सीटें हैं, यहाँ पे BSc के अंदर भी सीटें हैं, यहाँ पे आपको जो है BA LLB के अंदर भी सीटें हैं, BA LLB में काफ़ी सारी सीटें हैं, ओके, उसके बाद आपको जो है बैचलर ऑफ ऑनर्स फोरेंसिक साइंस में भी काफ़ी सारी सीटें वैकेंट पड़ी है, उसके बाद जो है बैचलर ऑफ साइंस रूरल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉरेस्ट्री केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आपको जो है जूलॉजी के अंदर एस्ट्रो जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, जस्ट मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, बहुत सारी यार मतलब बहुत ही ज़्यादा सीटें वैकेंट पड़ी है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों को जाना चाहिए और फॉर द फर्दर बेटर अपडेट के लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप जो हमें 2 पिज्जा की पेमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हम भी पिज्जा खा सकें, उस पिज्जा के अंदर जो हम आपको एक अच्छा खासा कॉलेज अलॉट करा देते हैं, साथ में जो है आप भी पूरी जिंदगी भर अच्छी जॉब पाके पिज्जा खाते रहे, इसलिए 2 पिज्जा जो है हमारे गूगल फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, और अगर अभी आप लोग उन पैसों से पिज्जा खाते रहे ना तो जनाब पूरी जिंदगी में आपको पिज्जा नहीं मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, हमारे गूगल फॉर्म में पिज्जा इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग और जैसे आप एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकते हो, साथ में उसके अंदर हम आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं 24 आवर्स लाइव सपोर्ट,
हर कॉलेज के आपको अपडेट मिलेगी सुबह शाम, जिस भी कॉलेज में स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, ओपन काउंसलिंग किस कॉलेज में, कितनी सीटें हैं, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, जाना है कि नहीं जाना, सब कुछ टोटली अपडेट देते हैं, जरूर से ज्वाइन कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो। धन्यवाद।